नमस्कार, प्रभात खबर में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल नवरात्रि चल रही है। पूरे देश भर में सनातन धर्म के लोग माँ देवी की आराधना में लीन हैं। हर तरफ माँ देवी की पूजा पाठ की जा रही है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि में बलि का विधान क्यों बनाया गया है और बलि क्यों दी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश शास्त्री जी से, इनसे जानेंगे कि बलि देना कितना शुभ है और ये क्यों दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी, आप एक अहम मसला लेकर के आए, एक अहम बिंदु है और ये चर्चा भी इस समय बहुत उसके समाज में हो रही है। माता जी का इस समय दर्शन पूजन चल रहा है। पहली चीज तो ये है कि बलि को लेकर के किसी को भी बहस करने का कोई अधिकार, इस पर कोई बहस नहीं। क्यों? हमारे शास्त्र ने कहा है, हमारे वेदांत ने कहा है, हमको मान्यता दी गई है कि आप बलि प्रदान कर सकते हैं। हम बलि प्रदान करते हैं माता जी को प्रसन्न करने के लिए। अब आप ये कहते हैं, जो इस समय चर्चा चल रही है, आपको भी पता होगा कि क्या माता जी किसी जीव की हत्या से प्रसन्न होती? माता जी जीव हत्या से प्रसन्न नहीं होती हैं, तो आप हमको ये बताइए कि आपको बलि प्रदान को आप हत्या की संज्ञा क्यों दे रहे हैं? आपको हत्या में और बलि प्रदान में यही नहीं पता है कि हत्या किसको कहते हैं, बलि प्रदान किसको कहते हैं। पहले बलि प्रदान का अर्थ तो आदमी को समझना चाहिए, तो वही लोग नहीं समझ पा रहे हैं और बलि प्रदान के ऊपर चर्चा दुनिया भर की करते हैं। कुशवाहा जी, बलि प्रदान एक हमारे यहाँ के, जब हमारे यहाँ यज्ञ आदि की जो व्यवस्थाएं थी, जो ऋषि लोग करते थे, उसमें बलि प्रदान की एक व्यवस्था थी। बलि मतलब दान, जैसे बलिदान, बलिदान मतलब क्या कहते हैं कि वो बलिदान हो गए, तो बलिदानी को आप ये थोड़ा कहेंगे उनकी हत्या हो गई, वो तो बहुत निकृष्ट शब्द है हत्या का। हत्या पता नहीं कौन ये शब्द को ले आया। बलिदान और बलि प्रदान ये समानांतर, बलि प्रदान बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग तो समझते हैं कि नर बलि को मनुष्य बलि समझ लेते हैं। यही तो मुश्किल है। लिखा ये है कुशवाहा जी कि अनाभ्यास से विषम शास्त्रम जीर्णे भोजनम विषम, दरिद्र से विषम गोष्ठी वृद्ध से तरुणी विषम। अनाभ्यास से विषम शास्त्र, बिना अभ्यास के शास्त्र विष है भाई। आपको जो चीज करनी नहीं आती आप करोगे, बिजली के आप मिस्त्री नहीं हो, बिजली बनाने लगोगे मर जाओ, करंट पकड़ ले और बनाने वाले चलती लाइन में जोड़ देते था। तो जिनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि बलि में नरबलि की बात है कि पशु बलि की बात है, वही तो आजकल ज्ञानी है सबसे ज्यादा, उन्होंने ही तो ये बखेड़ा खड़ा कर रखा। आप बताइए, बलि प्रदान बलिदान गौरव का विषय है और हमारे शास्त्र ने हमको मान्यता दी है। हम वैदिक मानने वाले लोग हैं, अपने वेदांत को मानने वाले लोग हैं, अपने सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं, तो वेद ने कहा कि बलि प्रदान ये इस यज्ञ में होगा होगा, उस पर बहस कोई है ही नहीं। अब आप देखिए कि शंख भी तो हड्डी है, कोई पिता मर जाए, जैसे ही वो मृत प्राय होता है, बेटे और पत्नी भी अगर उसको छू लेते हैं सब को, तो हाथ धुलते हैं, अशुभ हो जाते हैं। उसी के ऊपर जीवन भर निर्भर रहे, उसी के पैसे पे भोग विलास करते रहे, मौज आनंद करते रहे, लेकिन जैसे ही शरीर शांत हुआ वैसे ही अपवित्र, जल्दी उठाओ ठिकाने लगाओ। भले बाप की आंखें नहीं खुलती, बेटा इज्जत नहीं करता, लेकिन और उसकी हड्डी मांस मज्जा को छूने के बाद हम अपने को पवित्र करते हैं, लेकिन शंख मृगचर्म, मृगचर्म भी तो खाल है जिस पर बैठ करके हमारे ऋषि मुनि तप करते,
ध्यान करो, मनन करो। शंख को हम बजाते हैं, मान्यता है कि शंख में जल भरकर शालिग्राम भगवान की मूर्ति के ऊपर उतार के अगर ब्रह्महत्या जैसे जगन पापी के ऊपर छिड़क दिया जाए तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। तो हड्डी है और इतनी प्रमाणिकता है वेदांत के माध्यम से, वेद के माध्यम से, कि हम मुख में लगा के उसको बजाते हैं तो हमारा मुख अशुद्ध नहीं होता है, शंख शुद्ध हो जाता है, वो हड्डी अपवित्र हो जाती है, उसको हम जल से पवित्र करते हैं। तो आप बलि को, नरबलि को, हत्या को एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? बलि प्रदान है, हत्या हत्या है, नरबलि का कोई लेना देना है इससे नहीं। कहीं कोई ऐसा सिद्धांत ही नहीं, कहीं कोई मान्यता ही नहीं वेदांत में दी गई कि किसी मनुष्य की बलि दे दी है, कहीं ऐसा किया ही नहीं है। यानी बलि देना शुभ माना गया है शास्त्र, हमारे शास्त्र ने बलि देना ही नहीं। कुशवाहा जी, मैं फिर एक बार कहता हूं, शास्त्र ने जो मान्यता दे दी कि बलि इस यज्ञ में की जाएगी, तो शास्त्र की कही गई बात पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं। शास्त्र ने जो कह दिया उसको मानने के लिए हम और हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा धर्म बाध्य है और हम उसी को मानेंगे। जैसा कि आप देखते प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।